कमल पत्र पर जल बिंदुवत रहकर स्वयं के लिए बिल्कुल न सोचते हुए संपूर्ण समर्पण राष्ट्र के प्रति करने की आवश्यकता यह सदा बनी रहती है। नाना जी के जीवन का अनुकरण करना, उनका जीवन, उनका कार्य जैसा उनके होते हुए चल रहा था वैसे ही आगे चलता रहेगा, यही उनके लिए श्रद्धांजलि होगी। सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले और विशेषकर राजनीति में काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रकार का रोल मॉडल मानता हूं। अगर नाना जी को जानना है तो चित्रकूट जाकर के ही जाना जा सकता है। शायद कमजोर लोगों को कमजोर बनाकर कोई व्यक्ति बड़ा हो सकता है, परंतु कमजोर व्यक्ति को ऊपर उठाकर उसको सशक्त बनाने वाला महान होता है। ऐसे महान व्यक्तियों में माननीय नाना जी थे। इस देश की गांव की समस्या दूर करने के लिए उन्होंने चित्रकूट और सभी क्षेत्रों में जिस तरह की एक रचनात्मक कार्य का आदर्श पूरे देशवासियों के नई पीढ़ी के सामने रखा, वो कभी हम भूल नहीं सकते। नाना जी देशमुख वॉज ए फादर फिगर फॉर मिलियंस ऑफ वर्कर्स ऑफ संघ परिवार एंड बीजेपी। ही वॉज एन इंस्पायरिंग लीडर, ए टीचर, ए गुरु एंड ए रोल मॉडल। मैं उनकी देह त्याग से एक दो महीने पहले ही उनको मिली। वो एकदम मोती की तरह चमक रहे थे, प्रसन्न थे, संतुष्ट थे, निराशा नहीं थी, कुंठा नहीं थी, एकदम फूल की तरह खिले हुए थे और प्रसन्न थे। और ऐसे ही खिले हुए और प्रसन्न को चले गए, उन्होंने जीवन के एक भी पल को व्यर्थ नहीं जाने दिया। राजनीतिक जीवन में सत्ता की अभिलाषा अभी यह सर्वमान्य विषय हुआ है और नाना जी अलग थे। अपने जीवन में उन्होंने मंत्री पद को नकार दिया और उसके बाद में उन्होंने अपने 60 साल की उम्र होने के बाद समाज के रचनात्मक सेवा और विकास प्रकल्प के लिए अंत्योदय का जो विचार है उसके अनुसार उन्होंने कार्य किया। आप लोगों को शुभाशीर्वाद तथा मंगल कामनाएं।